आप बिजनेस करना चाहते हैं कैनेडा में तो ये वीडियो आपके लिए है लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट मैं आपको बता दू कौन से नौ इंडस्ट्रीज जो हैं उनके अंदर बिजनेस सबसे बड़े हैं कैनेडा के अंदर ओके नंबर वन टेक्नोलॉजी नंबर टू ट्रांसपोर्ट नंबर थ्री माइनिंग नंबर फोर इंश्योरेंस नंबर फाइव रिटेल नंबर सिक्स इज बेसिकली एग्रीकल्चर नंबर सेवन कंस्ट्रक्शन नंबर एट हेल्थ केयर एंड नंबर नाइन इज बेसिकली रियल स्टेट कैनेडा में बिजनेस करने का फायदा ये है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो यूएस है उसके बिल्कुल करीब है उसके लिए ईजी एक्सेस है कैनेडा का एक और एग्रीमेंट है यूएस के साथ और मैक्सिको मैक्सिको के साथ जैसे बोलते हैं नाफ्टा तो नाफ्टा का क्या होता है कि आप अगर आप इस बिजनेस करने तो आप यूएस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं राइट right? आप ट्रैवल कर सकते हैं तो बहुत इजी ये एक्सेसिबल है, है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट एटलीस्ट राइट नाउ ये सेकंड बिगेस्ट आफ्टर चाइना इज द यूएस सर्टेन सेक्टर्स के अंदर जिस तरह आप टेक्नोलॉजी में अगर आप स्टार्टअप हैं लाइक यू नो फाउंडर्स हैं या आप एनर्जी सेक्टर के अंदर हैं तो सर्टेन सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट है कैनेडा ऑल्सो अपनी कंपनीज को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है कैनेडा से तो कैनेडा का एक पूरा एक गवर्नमेंट का एक आर्म है जिसको बोलते हैं ट्रेड कमिश्नर्स वो आपके साथ वन ऑन वन काम करेंगे से कि अगर आपने बिजनेस एक्सपेंड करना है न्यूयॉर्क के अंदर तो ट्रेड कमिश्नर आपको हेल्प करेगा न्यूयॉर्क के अंदर टू हेल्प यू बिल्ड योर बिजनेस यू हैव नॉट हर्ड दैट फॉर अ लॉर्ड ऑफ कंट्रीज आई जो एक्सपोर्ट के लिए इतना इंकरेज करते हैं और हेल्प करते हैं As a, as a जीडीपी है।, है, है पर कैनेडा स्पेशलाइज करता है हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह तो, ऑटोमोटिव के अंदर कनेडा में बहुत ज्यादा मैन्यूफेक्चरिंग होती है हाई टेक के अंदर लो टेक के अंदर कैनेडा डजन स्पेशलाइजेड क्योंकि मोस्टली वो इंपोर्ट होता है चाइना से या बाकी लाइक इन जगहों से रियल स्टेट जो है वो ऑल्सो बहुत एक बूमिंग इंडस्ट्री है बहुत सारे बिजनेस बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो आते हैं वो रियल स्टेट इंडस्ट्री में जाते हैं इट्स अ रियली ईजी टू इंडस्ट्री टू गेट इन राइट ओके बहुत ज़्यादा ऑपरचुनिटीज़ हैं और क्योंकि कैनेडा एक ग्रोइंग कंट्री है तो रियल स्टेट नीड्स भी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है राइट यू नो फ्रॉम ओनरशिप टू रेंटल राइट ओके टू कमर्शियल रियल स्टेट टू इंडस्ट्रियल रियल स्टेट में भी ठीक है वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हाट आई लव अबाउट कनाडा कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है राइट ओके सिंपल थिंग अगर आपने कोई चीज करवानी है रजिस्ट्री चाहिए आपका पांच मिनट के ना काम हो जाएगा बिजनेस बैंकिंग बहुत एक्सेसिबल है राइट चीज के ईजी है गवर्नमेंट की ग्रांट्स अवेलेबल है राइट अगर आप कोई चीज़ इनोवेटिव करें हर इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह अब ये कोविड आया था तो कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया बिज़नेसेस को सो so, अगर आपको कोई बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट में जाइए एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट बिज़नेसेस इन कैनेडा